When there's no hope hiding, no chance concealing, but deep down I felt for you. Assalamualaikum जी, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सब घर वापस से होंगे। सो बहुत अरसे के बाद आज मैं फिर से आ चुकी हूँ नया सा व्लॉग लेके। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा क्योंकि ये व्लॉग बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है। उसी के साथ इस व्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं इतना गायब क्यों हूँ, कहाँ रहती हूँ मैं, क्या करती हूँ मैं। सो यस, चलो व्लॉग को शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत तैयार हो जाते हैं बाहर जाने के लिए। वैसे तैयार होने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत खूबसूरत है हम। चलें, ये जोक था। सो तैयार होने के लिए मैं अभी फिलहाल पॉन्ड्स के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। जो भी मैंने पॉन्ड्स के लाए हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा ये मॉइस्चराइज़र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बाहर जाने के लिए, और जो मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ उसके लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका फाउंडेशन, ये मैं पाउडर यूज करती हूँ जो कि पाउंड्स का है। इससे क्या हो जाता है, मेकअप जो भी करा होता है वो सेट हो जाता है और बहुत ही जबरदस्त है ये प्रोडक्ट। तो ये सोच रही हूँ मैं तैयार। आप देख सकते हैं मेरा जो पहले इतना लगा था चेहरा था वो अच्छा रुचि से प्रोडक्ट बट ऑलरेडी डन। सो यस, इतना ही रहता है मेरा मेकअप। ये सस्ता सा मेकअप, टिकाऊ सा मेकअप कोई भी कर सकता है बहुत आसानी से क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू डू मेकअप। सो यस, थोड़ा सा हम यूज करेंगे आई पैलेट। आई थोड़ा सा मस्कारा भी यूज कर लेते हैं। तो ये है बहुत ही पुराना सा मेरा लैक्मे का आई लाइनर जो कि मैं बहुत कम यूज करती हूँ। सो आई मेकअप डन। मैं तैयार हो चुकी हूँ, अभी चलते हैं हम। मैं सबसे पहले पेट पूजा करते हैं और फिर बाकी सारे काम। ये है जी हमारा हॉस्टल। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। आई नो, जो लोग भी हॉस्टल में रहते होंगे वो सोच रहे होंगे कि उल्फत कैसे तुम हॉस्टल को खूबसूरत बोल सकती हो, हॉस्टल जेल है। बट द थिंग इज, हॉस्टल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ जो कि बहुत 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 जबरदस्त होती है। और ये रही हमारी मेस। पेट पूजा हो चुकी है हमारी, अभी हम चल रहे हैं कॉलेज की ओर। ये है हमारा ऑडिटोरियम। रुचिता जा रही है मेरा बैग उठा के। शी इज माई लव। टुडे इट वॉज योर एग्जाम, सो व्हाट इज योर प्रोजेक्ट? ओके, सो इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड और न्यू वन? ओके, सो देखो मेहनती बच्चे CMR के। ओके, थैंक यू। हज़ार मरतबों में बता चुकी हूँ मैं CMR कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में पढ़ती हूँ, फिर भी लोगों के कमेंट आते हैं कि तुम कहाँ पढ़ती हो। अब से मुझे ये कमेंट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये है मेरा कॉलेज, स्ट्रेट कैंटीन इस साइड पे सारा फर्स्ट ब्लॉक, ये सारा सेकंड ब्लॉक, और यहाँ से मेरे क्लासरूम्स हैं। मतलब मेरे क्लासरूम जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो दीज आर फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट्स मौर्या रॉय।
He is my friend also. So ये है हमारा सिविल डिपार्टमेंट, जहाँ पर लिखे हुआ है सिविल इंजीनियरिंग। तो ये सारा मेरा डिपार्टमेंट है। सबसे पहले मैं और रुचिता जा रहे हैं सीटी असाइनमेंट सबमिट करने सीटी सर के पास। लेट्स गो। बाथरूम और रुचिता जाके सबमिट कर रही है। अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, क्योंकि पढ़ाई करना इज़ इम्पॉर्टेंट। और 9th से मेरा एग्ज़ाम है, सबसे पहले इसी का है, एनटीपीडी का एग्ज़ाम है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। आई नो इट्स मैथ्स, सो इट्स एनटीपीडी। टेल मी फुल फॉर्म। यू टेल मी आई नो Okay, you tell me. I don't know. You don't know, na? Okay, then why I will tell you? So, अभी हम पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, उसके बाद हम जिम चलेंगे। फिलहाल एक आर हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। पढ़ाई अभियान हो चुका है, तो अभी मैं चली अपना मेमो कलेक्ट करने। मेरे पास पहले मेरा मेमो था, पहले सेमेस्टर का, तो वो काम करके फिर हम कहीं और चलेंगे। तो ये आ चुका है जी मेरा मेमो। अब होने वाला है वो पार्ट जो कि मेरी व्लॉग, इस व्लॉग का सबसे बेहतरीन वाला पार्ट है, वो है जिम जाना और आपको अपना वर्कआउट दिखाना कि मैं कैसे वर्कआउट करूँगी और हमारा जिम कैसा है। सो गाइस, दिस इज माय पीस प्लेस। अगर आप खुद से प्यार करते हो तो जिम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिम करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, इमोशंस के साथ लड़ने की एक्चुअली ताकत मिलती है जिम करने से। कि मैंने खुद प्यार पाया है। सो लेट्स गो इनसाइड, हम आपको जिम दिखाते हैं। सो आ जाइए। सबसे पहले सही करने के लिए और जिनके बैक में फैट वगैरह लग रहा है, तो ये वाला जो मशीन है ज़्यादा यूजफुल है। आपको मास्क उतार कर ही एक्सरसाइज करना है। मेरा पसीना आप लोग देख रहे होंगे, एंड बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत है रियल में, बट आप सबको दिखाने के लिए कि हिजाबन भी अबाया मैं भी ये सब हो सकता है, बस इसलिए मैंने बनाया ये व्लॉग, वरना ये बहुत मुश्किल है बहुत ज़्यादा। फिलहाल चलते हैं। अक्सर लड़कियाँ जिम आती हैं ये मिरर में फ़ोटो लेने के लिए, आपने देखा होगा वैसे जो भी जिम जाती हैं उनका ये चीज़ पता होगी। सो यस, फोटो मैं अपलोड कर रही हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, बहुत ही ज़बरदस्त थे, बहुत ही अच्छे अच्छे फोटो जिम के, सो डू वॉच मी देयर। एंड यस, ये सारी है जिम। रुचि इतना मुझसे देख देख के परेशान हो गई कि आईडी कार्ड लगा के शुरू हो गई, जंप कर दी। देखो, गुड गुड गुड, यू आर डूइंग गुड, वल्लाही यू आर डूइंग गुड, बेटर देन मी। आई विल दिस मच, आई विल।
A lot of dumbbells are here. कुछ कुछ वहाँ वहाँ से भी पड़े हुए हैं. हम सारे ट्राई करके देखेंगे ये कौन कौन से मैं उठा सकती हूँ. दिस वन इज 1 kg. नाइस. दिस वन 1 kg. ये वाला मैं उठा पा रही हूँ आराम से. ओके विल ट्राई नेक्स्ट वन. दिस वन इज 2.5 आई गेस. या 2.5. ये वाला भी मैं आराम से कर पा रही हूँ. सो यस 5 kg वाला कौन सा हो सकता है. यह 15 kg. एंड दिस वन 10 kg. दिस वन 20 kg. अलई 5 kg नहीं है क्या. दिस वन इज 7.5. चलो कोई बात नहीं. दिस वन इज 7.5 ब्रो. सी दिस मैं मुश्किल से ही उठा पा रही हूँ. बट एकदम पूरा पूरा अच्छे से उठाऊंगी. अभी नई नई शुरुआत है. नई शुरुआत है. ये जिम जो है ये CMR का जिम है. हमारे कॉलेज का जिम. इतना प्यारा जिम है हमारे कॉलेज का. आप इस कॉलेज में ज्वाइन होना चाहते हैं आपको ये जिम मिलेगा 1 hour के लिए हर दिन. सो यू कैन कम हियर. यू कैन टेक एडमिशन हियर. व्हाट ये है सारा. सो रुचि एक्चुअली वीडियो में नहीं आना चाहती है ऐसे जिम करते करते. इसलिए उसके शॉर्ट्स जो है वो बहुत कम है. सो रुचि को सिखाते हैं. एक्चुअली मैं खुद भी अभी सीख ही रही हूँ. बट तब भी इससे तो मैं सीनियर हूँ. सो इसको सिखाते हैं. और हम और जिम अच्छे से करते हैं. फिलहाल पसीना देखो हालत खराब है मेरी. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये आज शायद 3rd or 4th दिन था जिम का. बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया और बहुत चेंज भी मुझे लग रही हैं. सो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए. क्या कुछ आपको सीखने को मिला. हो सकता है कुछ सीखने को मिला हो. वैसे आप लोग तो जीनियस हैं. आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा ओबियसली बात है. बट जितना मैंने दिखाया उसके पीछे भी रीज़न था कि क्यों और किस लिए. बाकी थैंक यू सो मच. सपोर्ट करते रहिए. अभी चलते हैं हॉस्टल. हॉस्टल में जाके खाना पीना करते हैं. और हाँ जिम से पहले भी नहाना ज़रूरी है और जिम के बाद भी. अगर पहले नहीं भी नहाएंगे बाद में नहाएं क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा होता है. सो यस अभी हम हॉस्टल चलते हैं और हॉस्टल में जाके खाना पीना करते हैं. चला भी नहीं जा रहा मुझसे. बैक टू हॉस्टल.